आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान एवं प्रदेश संगठन के नेतृत्व में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान एवं प्रदेश नेतृत्व में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के हाथों हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल, संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं को लेकर चलाए जा रहे अभियान पार्टी द्वारा गाँव चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमे प्रत्येक बूथ में प्रवासी कार्यकर्ता जाएंगे और संगठन से दिए गए हैं। भाजपा की दृष्टि से चुनाव शुरू हो गया। हम आज से ही जनता से निवेदन करने निकलेंगे कि कमल के निशान पर उनका मुहर लगना चाहिए, बटन दबाकर कमल के निशान पर वो चुनाव जिताए। ये कहने के लिए हम आज से ही हाथ जोड़ेंगे जनता के बीच। स्पष्ट बहुमत में छत्तीसगढ़ में सरकार है, स्पष्ट बहुमत में मध्य प्रदेश में सरकार है, स्पष्ट बहुमत के साथ कितनी सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार है, केंद्र में हम फिर से बनाएंगे। क्या गठजोड़ उन्होंने कभी नहीं किया? एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।